गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज की तरह। आज हम आपके लिए राजस्थानी सब्जी लेकर के आए हैं, कैर सांगरी। बहुत अच्छी लगती है और बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ये पश्चिमी राजस्थान में होती है, पर आजकल सभी जगह मिल जाती है। हर डिपार्टमेंटल स्टोर में, किराना स्टोर पे, सभी जगह बहुत आसानी से कैर और सांगरी मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ली है सांगरी, 200 ग्राम सांगरी हैं, 100 ग्राम कैर हैं, इसमें मैंने 4-5 छुआरे ले लिए हैं और 4-5 कश्मीरी लाल मिर्च। इनको हम 4-5 घंटे के लिए पानी डाल के भिगो देंगे। हमें इनको भिगो देना है। अगर पानी कम लगे तो आप पानी और डाल सकते हैं। ताकि अच्छे से डिप हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, 4-5 घंटे हो चुके हैं और सांगरी बहुत अच्छे से भीग गई हैं, छुआरे भी भीग गए हैं, कैर भी बहुत अच्छे से भीग गए हैं। अब हम इनको साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे और चलनी में रख देंगे ताकि पानी निचुड़ जाए। फ्रेंड्स, मैंने कैर और सांगरी को बहुत अच्छे से धो लिया है। देखिए पानी भी निकल गया है इनमें से, सांगरी भी मैंने बहुत अच्छे से धो ली है। अब हम इनको कुकर में 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ आधा कुकर पानी लिया है, इसमें मैं सभी को बॉईल होने के लिए रख दूंगी। हमें कुकर में सीटी नहीं लगानी है, इनको खुला ही उबलने देना है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, अगर आप इनको भिगोना नहीं चाहते हैं कैर और सांगरी को, तो बहुत अच्छे से धो करके कुकर में एक सीटी लगा लें और सीटी के प्रेशर को खोल दें और फिर आप उसकी सब्जी बना सकते हैं। अब हम इसको इसी तरह से बॉइल होने देंगे, हमें ढक्कन नहीं लगाना है। बीच में एक आध बार हम इसको हिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सांगरियाँ बहुत अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सांगरियाँ बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं और मैंने इनको छलनी में निकाल लिया है ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। अब हम छुआरे के पीस कर लेंगे, इसकी गुठली अलग निकाल लेंगे। और इसको कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने सब काट लिए हैं। अब हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गरम होने रख देंगे, जो भी ऑयल आप यूज में लेते हैं। फ्रेंड्स, सांगरी की सब्जी में रिफाइंड ऑयल हमें ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि ये सब्जी कई दिनों तक ख़राब नहीं होती है। मैं और आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग ऑयल यूज़ में लें। मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल यूज़ में ले रही हूँ। इस सब्जी को आप लंबे समय तक रख सकते हैं, कहीं सफ़र में, यात्रा में, आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये बना के ले जाएं, कभी ख़राब नहीं होती है। ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ सभी चीज़ को बड़े बर्तन में डाल लिया है। इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ मटेरियल ज़्यादा लिया है तो मैंने उसी हिसाब से नमक डाला है। हल्दी पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। इन सब्जियों में मिर्ची पाउडर आप ज़्यादा ही डालें, क्योंकि स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं और बिल्कुल अचार की तरह हो जाती हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, पश्चिमी राजस्थान में ये सब्जियां सभी ओकेजंस पे बनाई जाती हैं, शादी पार्टी में भी बनाई जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से सारे मसाले मिला लिए हैं, ऑयल भी गर्म हो चुका है। आइए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, हमने थोड़ी सी पिसी हुई हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया है, इसके अलावा हमें इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। अब हमने जो मसाले मिक्स किए हैं सांगरी में, वो हम यहाँ डाल देंगे। हमें सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने यहाँ ऑयल ज़्यादा डाला है, उसी में ही हमें सब्जी तैयार करनी है। हमें सब्जी को लगातार 5 से 7 मिनट पकाना है। अब हम लाल मिर्ची भी डाल देंगे इसमें, हमने कश्मीरी लाल मिर्ची भिगोई थी। आप पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। वैसे इस सब्जी में काजू और किशमिश ही डालते हैं, मैंने यहाँ काजू डाल दिए हैं, किशमिश भी डाल दी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। हम मीठा नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ चीनी नहीं डाली है, क्योंकि हम सब्जी को स्पाइसी बना रहे हैं। बहुत अच्छे से हमें सारे मिश्रण को तैयार करना है, अच्छे से मिक्स करते रहना है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, कैर सांगरी की सब्जी में हरा धनिया पाउडर नहीं डलता है, क्योंकि हरा धनिया पाउडर डालने के बाद सब्जी ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं है, ख़राब हो जाती है। इस सब्जी को आप लंबे समय तक 10 से 15 दिन और ज़्यादा भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने सब्जी को बहुत अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। देखिए, मैंने अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को कम कर दिया है और अब हम इसको धीरे आंच पर ही पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बिल्कुल तैयार है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। आइए सर्व करते हैं। हमने सब्जी को सर्व कर दिया है। आप जब चाहें तब बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी ओकेजन पर, कहीं सफ़र में, यात्रा में, आप बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।